सो ही गाइज, आज हम दोबारा से यूनिवर्स ऑफ द मार्शल गॉड के एपिसोड 6 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई होप यार आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। सो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई, जो ली फैमिली थी वो भाई काफ़ी ज़्यादा लिन और लू फैमिली को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से भड़का रही थी ताकि वो लड़ाई ले और यहाँ पे रेडस्टोन के हाथ में हो। अब यहाँ पे दोनों ही लोग भाई अब एक साथ लड़ाई लेने के लिए तैयार थे और लिन फैमिली और यहाँ पे ली फैमिली एक साथ जो लड़ाई लेती है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर होती है। अब ये चीज़ तो मुझे काफ़ी आसानी से पता चल गई थी क्योंकि भाई ये दोनों लॉर्ड हैं तो लॉर्ड के पास इतनी ज़्यादा हाई पावर होगी जो कि सामने वाले आम मेंबर के पास इतनी नहीं होगी। सो देख रहे हैं यहाँ पे था कि जो लू फैमिली था वो दूसरे बंदे पर अटैक करने से पहले उसका हथियार रुक जाता है और उसका जो हथियार होता है कुछ रेड कलर का दिखता है और उतनी ही देर में हम ऊपर देखते हैं ऊपर से भी भाई रेड कलर कुछ चमकने लग जाता है। अब लू फैमिली का जो हथियार था वो गोल गोल घूमने लग जाता है अपने आप ही और उसमें से एक बंदा निकलता है जिसका नाम हमें मास्टर सू बताया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके पास ही जो मैग्नेटिक पावर है यहाँ पे ये एक तरह का मास्टर है मेटल पावर में। यहाँ पे जो हमने पिछले एपिसोड में देखा होगा जो लिंगडोंग था वो उस चीज़ की तैयारी कर रहा था, इस बंदे ने पूरी तैयारी कर चुका है। अब जो मास्टर सू होते हैं वो भाई लिन फैमिली से बोलते हैं अगर तुम इस चीज़ मंजूर नहीं है तो मैं तुम्हें अपना परसेंट भाई 60% दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो तुम्हारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मगर जो लिन फैमिली थी इस चीज़ के लिए भाई तैयार नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अपना ही माल भाई कहीं और जाके बेचे जाए और हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। अब जो फैमिली के लॉर्ड होते हैं वो तो भाई अंदर चले जाते हैं। अब जो मास्टर वू थे उनने अपने भाई पहले ही मूव से इन सभी लोगों को भाई एकदम जकड़ सा लिया था, मतलब वो कुछ इस तरह से हो गए थे कि वो हिल नहीं सकते थे। उनके पास जो मेटल पावर की जो शीट थी वो चढ़ चुकी थी, यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से हिल नहीं सकते थे। अभी तुम कह सकते हो यहाँ पे सिर्फ जो लॉर्ड थे वही हिल सकते थे क्योंकि इन दोनों के बीच भाई जो ये लोग फाइट लेना चाह रहे थे सिर्फ मास्टर सू और साथ में जो लिंग के भाई लॉर्ड थे सिर्फ वही हो। यहाँ पे इन दोनों के बीच जो फाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा सही थी क्योंकि यार इस समय जो मास्टर सू थे काफ़ी बुरी तरह से जीत भी रहे थे और साथ में जो ली फैमिली के लॉर्ड थे वो भी इतने ज़्यादा जीत नहीं रहे थे। मगर जो भाई लिंगडोंग के फादर थे उन्हें भी काफ़ी बुरी तरह से पीछे फेंक दिया था और यहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो आगे जाने लग जाता है मगर उसके फादर ये चीज़ के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। अभी की तुम कह सकते हो इसके पास भी रेस्टोरों की कुछ ऐसी पावर्स है जो काफ़ी आसानी से किसी भी बंदे को ख़त्म कर सकती थी। अब जैसे मास्टर वू भाई लिंगडोंग के भाई लॉर्ड के ऊपर हमला करते हैं उतनी देर में लिंगडोंग भाई आके उन्हें सामने शील्ड करके भाई उन्हें बचा लेता है। यहाँ पे भाई लिंगडोंग के पास भी उसके पार जैसे ही पावर थी। अब देखना यह था कि भाई लिंगडोंग क्या उन्हें हरा पाएगा मास्टर सू को क्योंकि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब मास्टर सू के पास एक चीज एबिलिटी ये भी थी, वो अचानक से कहीं पे भी आ जा सकते थे। अब इतनी आसानी से तो भाई लिंगडोंग को जीतने नहीं देते। अब यहाँ पे उन्होंने भी कुछ अपनी मूव्स के साथ स्ट्राइक करिया भाई पहला, मगर जो लिंगडोंग था वो भी अपने उन्हीं मूव्स के साथ भाई स्टार्ट करता है। यहाँ पे कुछ स्टील के साथ ही भाई उस बंदे ने भाई पहला मूव को रोक लिया था। अब जो स्टार्टिंग के मूव्स थे वो यहाँ पे जो मास्टर सू काफ़ी आसानी से ले ले रहे थे और यहाँ पे जो लिंगडोंग था वो भी काफ़ी अच्छी खासी फाइट ले रहा था क्योंकि वो इस स्टेज में था कि उसे अपनी रैंक भी नहीं मालूम थी मेटल पावर में कितनी है और यहाँ पे इन दोनों के बीच जो पावर के साथ लड़ाई होती है इन दोनों के पास जो निडल थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे। मगर जो मास्टर सू होते हैं वो लिंगडोंग से बताते हैं कि अभी तुम्हारी इतनी ज्यादा भी एक्यूरेट नहीं हुई हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सको और ना ही जो तुम्हारे नीडल है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मेरे नीडल को तोड़ सकें। अब वो टाइम आ चुका था कि इन दोनों को भाई अपनी अपनी मेटल बॉडी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भाई मेटल बॉडी दोनों आसमान में जाकर लड़ाई लेने लग जाती है। अब यहाँ पे दोनों ही अपनी दोबारा से भाई स्पेशल इफेक्ट्स की पावर के साथ लड़ाई लेते हैं मगर यहाँ पे भाई लिंगडोंग भी काफी अच्छी खासी लड़ाई ले रहा था यहाँ पे। पर एक चीज काफी ज्यादा लिंगडोंग के लिए बुरा होता है क्योंकि जो मास्टर सूत अपनी पूरी पावर्स की लड़ाई लेने की वजह से लिंगडोंग को भाई आसानी से हराने लग जाते हैं क्योंकि लिंगडोंग के पास कुछ ज्यादा पावर्स नहीं होती तो उसे एक चीज का ट्राई लेनी पड़ती है जो कि होता है भाई वही वुडन गोल्डन वुडन। तो मैं उससे पहले जो मास्टर सू होते हैं वो अपने लास्ट मूव को चलते हैं जो कि अब तक का काफी ज्यादा पावरफुल मूव रहा होगा उनके लिए जो कि काफी बड़ी नीडल जो कि उसके सामने भाई नहीं टिक पाती लिंगडोंग के क्योंकि लिंगडोंग के पास इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी जो कि काफी ज्यादा छोटी छोटी थी जिससे भाई वो नीडल तो आसानी से फीकी जा रही थी। अब वो निडल भाई जैसे तैसे करके उसके पावर के बीच में से निकल के उसके गाल पे खरोच मार देती है। अब ये जो लड़ाई थी वो लिंगडोंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी क्योंकि जो मास्टर सू की वो निडल थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी जो उसके सामने भाई लिंगडोंग की निडल कुछ भी नहीं थी। आए दिन भाई जितनी भी निडल थी उसके सामने टिकी जा रही थी मगर पर जैसे न तैसे करके उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता। यहाँ पे उसने सोच लिया था अब मुझे भाई उस गोल्डन वुड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब वो उस गोल्डन वुड को भाई सामने ला के उसे एक अपनी बैरियर की तरह
कारण रोक लेती है। वो उस बैरियर को इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसकी जो मास्टर सू की निडल होती है उसे आसानी से तोड़ देती है। और वो मास्टर सू ये चीज़ देखी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उसने इस चीज़ को कैसे आसानी से तोड़ दिया। मगर जो मास्टर सू थे उन्होंने भी भाई इतनी ज़्यादा आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भी भाई अपनी एक और दोबारा से भाई जो सील थी छोड़ दी थी और उसके पीछे और भी ज़्यादा अपनी एनर्जी को लगा दिया था। मगर यहाँ पे भाई जो लिंक डोंग थे उसके पास भी गोल्डन वुड है जिससे वो भी सील का इस्तेमाल कर रहा है। मगर यहाँ पे जो स्टील है वो भी इतने ज़्यादा कंफर्म नहीं हो पा रही क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो लिंक डोंग है वो भी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि लिंक डोंग भाई सामने वाले मास्टर सू को हरा सके। यहाँ पे भाई जो लिंक डोंग को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है भाई उस चीज़ को रोकने के लिए। अब जैसे ना तैसे करके भाई लिंक डोंग उस मूव को तो हटा देता है। अब यहाँ पे देखना ये होता है कि अब लिंक डोंग भाई अपने पूरे पावर के साथ लड़ेगा जो उसने पहले मेटल बॉडी की एंचेंटमेंट को सीखा था। अब लिंक डोंग ने अपनी पूरी पावर को मास्टर सू के ऊपर डाल दिया था। मास्टर सू ने भी स्टार्टिंग में तो भाई उस पावर को रोक लिया था मगर जो उसके पीछे पड़ी निडल वो कैसे रोक पाते। यहाँ पे जो भाई उस चीज़ को लिंक डोंग कंट्रोल कर रहा था निडल को, अब उस निडल ने तो भाई मास्टर सू को काफ़ी आसानी से पछाड़ दिया था। यहाँ पे जानते थे भाई जो मास्टर सू है उस वहाँ से भाग जाएंगे इतनी आसानी से, वो जानते इस जगह पे रहे तो ख़त्म भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मास्टर सू के भाग जाने के बाद हम देखते हैं भाई ली फैमिली को जो कि नीचे गिरी हुई थी और यहाँ पे लिन फैमिली उल्लू फैमिली उनके सामने खड़ी थी और तुम वो बताते हैं कि तुम हमें ख़त्म करने वाले थे। और यहीं पे ये गाइस एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप यू आर ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा यार। ऐसे और भी एपिसोड मिलेंगे, बस लाइक सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को तो अलाउ रखना ही और कमेंट करके बताना है कि भाई कैसा लगा और अगली वीडियो किस पे चाहिए, किस रिलेटेड होनी चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।